हेलो हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज वाचिंग विवान लाइव इन टूडेज वीडियो टॉक अबाउट हाउ एम आई मैनेजिंग माय पोर्टफोलियो मैं क्या खरीदने वाला हूँ क्या बेचने वाला हूँ एंड व्हाट आर द लेवल बाई एट आई नो दैट एवरी इज रियली टेंस आई एम फील रियली सॉरी अगर आपके फंडटी एक्स में थे तो आई एम रियली सॉरी इन यर वीडियो वन एफटी एक्स ट्रेडिंग अराउट 16 17 डॉर्स आई हैड क्लियरली सेट प्लीज ड नॉट गेट इन दिस बिकॉज यू स्टिल नॉट है क्लैरिटी वेद अस इज एक्चुअली गोइंग टू अक्वायर एफ टी एक्स सो इफ You have not got into FTT yesterday, you're safe. If you have, then I'm so sorry for you. Anyways, let's get started with today's video. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. So, first of all, let's look at Bitcoin's chart. If I zoom out, the triangle has broken finally. And uh, the first level of support that we currently have, that is a local support, is at 16,252. If this region breaks, we, break, we definitely

सो ऑबियसलीम का जो सपोर्ट है, so, है. So, है तो फा डेफिनेटली आ सकता है सो so, अभी बिटकॉइन में दो बाइंग हो चुकी है इथिर हो चुकी है सोलान क्या बताओ मैं सोलाना के बारे में सोलाना का मैंने एक तो कर दिया अर्लियर इट वॉज फाइव परसेंट इसको कम करके वन कर दिया एंड आई विल बाई सोलाना इफ इट कम्स टू टेन डॉलर फाइव डॉलर थ्री पॉइंट एंड टू डॉलर का सोलाना तो it का अनलॉक आने वाला है सो so अनलॉक अगर आता है तो डेफिनेटली और भी नीचे गिर सकता है टेन डॉलर तो कहीं नहीं गया बट वाई आई एम बाइंग सोलाना विद वन परसेंटेज ऑफ माई टोटल लोगों ने पूरा इको सिस्टम बना के रखा है इंडिया में भी

स कितना पावरफुल है ये सब लोगों ने देख लिया है सो so बाइना चुका है तो फर्क नहीं पड़ा है जनपोनेटली बिकॉज सो पॉर्वरफुलता है Polkadot. Polkadot अभी तक आया नहीं है एटलीस्ट जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब तक तो आया नहीं है सो so प्रॉब्ली जब यह फाइव पॉइंट एट टू आएगा फर्स्ट लॉट सेकेंड लॉट इज एट फोर पॉइंट एटी पॉइंट नाइन एंड टू डॉलर पे

Is a good support. I expect it to come here really soon. If it comes here, then it's good. If not, then we have already bought from one part of our total buying. Ape Coin. Ape Coin दिक्कत ये है कि Ape Coin मैंने खरीदा नहीं था Earlier this was somewhere around four dollars. लेकिन मेरे को अभी लगता है कि मेरे को इसको और कम कर देना चाहिए So Ape Coin is only two percent. Three point four is the first buying range. So if you look at Ape Coin, इस chart में कुछ देखने लायक है, है नहीं Unlock date उसका आता रहता है तो फिर ये unlock होगा और dump होता जाएगा सो थ्री पॉइंट थ्री पे पहले बाइंग करूंगा मैं and and $1 and $1 पे इन बाइंग करूंगा अभी तक एक भी ग्रीन नहीं हुआ है ग्रीन नहीं हुआ है मतलब मैंने भी लिया था वर्ल्ड कप के लिए इट वेंट अगेन इट द मार्केट आप देख सकते हैं काफी समय से ये इसी रहा है so breaks, trouble, में वैसे भी आई एम इन्वेस्टिंग ओनली वन पॉइंट सोट्स नॉट बिग अमाउंट एफ टी एस मैंने निकाल दिया पूरा एफ टी एस जो जो चीजें लाल में वो दोनों निकाल दिया एफ टी एक्स मैंने निकाल दिया वन इंच में भी मैंने निकाल दिया बिकॉज वन इंच भी मुझे अभी लग रहा है कि ये बेम

बुल मार्केट में मेरे पास काफी एक्स इनिटी था बट नाउ आई सी दैट आफ्टर एवरी अनलॉक द मार्केट दिन डंपिंग सो डेफिनेटली आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस का शॉर्ट खोल के बैठूंगा मैं सो so दैट मेरा जो होल्डिंग का पोर्टफोलियो है वो थोड़ा बहुत मैनेज हो सके आई के बारे में बात करें तो आई पंप हुआ लेकिन उसके बाद बहुत प्यार से डंप हुआ सो पीपल हु होल्ड ऑन ऑन टू शॉर्ट ट्रेड दे माइट हैव मेड ग्रेट प्रॉफिट्स अपार्ट फ्रॉम दैट अगर चिल्लीज की बात करें चिल्लीज हम लोगों ने बाई किया था यहाँ पे बाई किया था ट्वेंटी थ्री सेंस पे इट शॉर्ट अप वी टुक अ प्रॉफिट उसके बाद जब वो वापस रिटेस करने आया मैंने वापस लॉन्ग लिया लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा इस पे मिनिमम प्रॉफिट हुआ है बिकॉज एक हो और एक और स्टॉप लॉस हिट हो गया सो आई थिंक दैट्स मच इट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट कीपिंग एनी ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अभी के लिए मैं क्या कर रहा की आई एम होल्डिंग इट ऑन माई वॉलेट्स पर्सनल वॉलेट्स एंड जब भी कुछ बाइंग करना होता है तब थोड़ा सा अमाउंट पहले भेज के देखता हूँ एक्सचेंजेस पे देखता हूं कि विड्रॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है एंड वहां से बाय करके मैं तुरंत अपने वॉलेट में वापस भेज दे रहा हूँ प्लीज मत रखिए फाइनेंस पे भी मत भरोसा कीजिए किसी पे भी भरोसा मत कीजिए किसी का कोई भरोसा नहीं है सो दैट्स much it from today's video none of the videos that i make or the content that i share or the tokens that i talk about is a financial advice these are the few tokens that i'm interested in that's not necessary that you also get into them and uh, please make sure that you are consulting your financial advisor before investing in cryptocurrencies because you might have seen right? क्या हो गया दो दिन के अंदर दो पूरा मार्केट खत्म हो गया राइट और अभी तो बेयर मार्केट शुरू हुआ है बिकॉज आफ्टर एफ टी एक्स अलॉट ऑफ स्मॉलर एक्सचेंजेस विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल जिस सी वॉट हैपन्स टू द मार्केट सो प्लीज़ प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट एंड इफ यू हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस ओनली देन ट्रेड इन दिस मार्केट और एल्स क्रिप्टो मार्केट्स आर नॉट फॉर यू सो दैट्स वीडियो चेट आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय